सीरियल कुंडली भाग्य में लीप के बाद क्या क्या होने जा रहा है ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आज जरा इसका ऑफिशियल वर्जन भी देख लीजिए, क्योंकि क्या है ना कि प्रोमो अभी रिलीज हुआ है, तो जब प्रोमो आया है तो प्रोमो पर भी नजर डालनी तो बनती है ना। कुंडली भाग्य में लीप के बाद का ये पहला ऑन लोकेशन है जहां पर हम ये सोच कर पहुंचे कि वह आज तो हमें नए नए कलाकार मिलेंगे और उन नए नए कलाकारों का उत्साह देखने मिलेगा। लेकिन लीप का ये पहला दिन कुछ ऐसा रहा, जरा देखिए, जहां पर हमारी मुलाकात सबसे पहले राजवीर लूथरा से हुई, यानी कि पारस कलनावत के साथ। मैंने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। जब अनुपमा में मुझे लोगों ने देखा होगा तो मेरा चेहरा गोल हो गया था लिटरली, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी में फैट हो गया था। तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में ही अपना वक्त गुजारा और मैंने कुछ म्यूज़िक एल्बम्स किए, मैंने कुछ यूट्यूब के प्रोजेक्ट्स किए, बट मैंने ऐसा कोई लॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं लिया था। तो मैं बस ऐसे ही शो के इंतज़ार में था, कुंडली भाग्य जैसा शो। जब ये शो आया तो मतलब मैं ना भी नहीं कह पाया और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी था और मैं बस ये होप कर रहा था कि ये वर्कआउट हो जाए। मानना पड़ेगा फिर प्रोडक्शन हाउस ने एंट्री में थोड़ा तामझाम करके एक खर्चा कर दिया है। दही हंडी का कार्यक्रम है और उसी कार्यक्रम के दौरान राजवीर की एंट्री होगी। वैसे ये बालाजी टेलीफिल्म्स का इतिहास रहा है कि जब जब उनके सीरियल में दही हंडी से शुरुआत की गई है ना, वो सीरियल हिट रहा है। याद है ना है पवित्र रिश्ता सीरियल, जहां पर मानव हर साल दही हंडी फोड़ा करता था, वो भी एक चौल की कहानी थी। और अब प्रीता भी तो गरीब हो गई होगी क्योंकि उसे इस ससुराल से निकाल दिया गया जो है। तो सबके साथ शूट करने में मैं बहुत मज़ा आने वाला और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। स्पेशली श्रद्धा के साथ शूट करने में बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ श्रद्धा एंड उनके साथ ही शूट करना विल बी अ प्लेजर। ही खैर, अब ये तो बात की बात है, आगे ज़रूर इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल ज़रा इस सीन को देखिए जहाँ पर हीरो की एंट्री एकदम हीरो की तरह की गई है। अब जब इतनी मेहनत हुई है, एंट्री शॉट में पूरा दिन लगा दिया है, तो दर्शक भी इसे जरूर पसंद करेंगे। फिलहाल तो ये कुंडली भाग्य का जो लीप का प्रोमो आया है ना, उसे दर्शकों ने काफी पसंद किया है। तो उम्मीद करते हैं कि सेकंड हीरो की एंट्री यानी कि शौर्य लूथरा और इन दोनों की हीरोइन पलकी, उनसे भी मुलाकात जल्द से जल्द होगी। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।